First of all, it's amazing to see you judging the show. So, how was your journey been with Sony Music and how has your experience been? बहुत ही जबरदस्त था हमारा एक रिश्ता है बस बन चुका है सोनी टीवी के साथ में कि क्योंकि इंडियन आइडल मैंने जज किया और उसमें मुझे बहुत पसंद किया गया लोगों ने बहुत सराहा मुझे एज अ पर्सन एज अ मेंटर एज अ जज मैं बहुत खुश हूँ और दोबारा से फिर एक मौका आया है कि सुपरस्टार सिंगर के ज़रिए मैं इस शो से जुड़ा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त एक जर्नी शुरू हुई है हमारी और बहुत मज़ा आ रहा है इस शो में कमाल का टैलेंट सुनने को मिल रहा है कमाल के बच्चे गा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से बहुत ही बेहतरीन नगीने चुनकर लेकर आए हैं हमारे कैप्टन्स और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस शो का एक हिस्सा हूँ कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप उन बच्चों में देखना चाहते हैं जितने भी बच्चे हमने चूज़ किए हैं वो अपनी अपनी एक खुशबू रखते हैं वो अपना अपना एक इंडिविजुअल टैलेंट रखते हैं बच्चे में वो बात है कि नहीं वो म्यूजिकलिटी है कि नहीं जो कि जिसकी ज़रूरत है जिसको हम तलाश कर रहे हैं या उसका ग्रास्पिंग पावर कैसा है ये सारी चीज़ें हम एक बच्चे में तलाश कर रहे हैं प्लस क्या है कि एक नेचुरल टैलेंट मिला होता है हर बच्चे को गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं वो भी हम तलाश करते हैं जिसको नेचुरल गिफ्ट मिला एक मोटिवेशनल मंत्र जो आप उन बच्चों को देना चाहते हैं मैं यही कहना चाहूँगा हर बच्चे से कि किसी का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है जजेस बैठे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करिए लेकिन डरिए मत क्योंकि डर अगर आ गया तो आप 50% भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपको किसी से डरने की ज़रूरत है क्योंकि आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपको सब प्यार करने वाले हैं आप सब एंजॉय करने वाले हैं आप जिस तरह भी परफॉर्म करोगे हम आपको सराहेंगे बस बिना प्रेशर के बिना किसी स्ट्रेस के आप परफॉर्म करिए बस अकॉर्डिंग टू यू सर व्हाट इज़ दैट वन सक्सेस मंत्रा यू वुड गिव टू ऑल द बडिंग सिंगर्स मैं समझता हूँ कि मैं अभी खुद एक स्टूडेंट हूँ और हर बच्चे से हर अच्छे आर्टिस्ट से मैं सीखता रहता हूँ अच्छी अच्छी बातें तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं किसी को मंत्रा कोई दे सकता हूँ लेकिन बस यही समझता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ उस मामले में आपने पूछा है तो मैं यही बात शेयर करूँगा लोगों के साथ कि ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा एक अलग दिशा में लेकर जाता है कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक धागे का फर्क उसको कभी भी क्रॉस मत कीजिएगा और अपने टैलेंट पे भरोसा रखिएगा थोड़ा विनम्रता रखें अपने काम में अपने नेचर में जो आपके काम में भी झलक आएगी ये ही मेरा मंत्र है और मैं यही बात सबको बताना चाहूँगा एक मैसेज आप अपने फैंस के लिए दीजिए मैं यही कहना चाहूँगा मेरे जितने भी फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप के प्यार की और आपके आशीर्वाद आपकी दुआओं की बदौलत मैं जावेद अली इस मुकाम पर पहुँचा हूँ आपका प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए हमारे लिए क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति होती है हमें आगे बढ़ने के लिए हमें और एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए उसको बनाए रखिए हम और अच्छा करते रहेंगे थैंक यू सो मच तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आज पास पास है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से झूठ के हंसेगी मोती होंगे मोती राहों में ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास हाय दिस इज जावेद अली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो एंड म्यूजिक.com